कौन सी चीज अल्टिमा को हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन बनाती है? क्रिप्टोकरेंसी के कई वर्गीकरण हैं, लेकिन विश्व स्तर पर उन्हें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में विभाजित किया जा सकता है। इन्फ्लेशनरी कॉइन्स का एमिशन लगातार होता रहता है और डिफ्लेशनरी कॉइन्स का एमिशन सख्ती से सीमित होता है। एमिशन यानी उत्सर्जन मार्केट में क्रिप्टोकरेंसी की कुल मात्रा होती है। ऐसा प्रतिबंध आवश्यक है ताकि समय के साथ मार्केट में कमी हो जाए, जो आर्थिक कानूनों के अनुसार एसेट मूल्य में वृद्धि का कारण बनेगा। अल्टिमा की आपूर्ति 100,000 टोकन तक सीमित है, जो मार्केट में सबसे छोटे आपूर्ति स्तरों में से एक है। एमिशन को सीमित करने के अलावा डिफ्लेशनरी टोकन कई डिफ्लेशनरी तंत्रों को लागू करते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में अल्टिमा का उपयोग करके इन तंत्रों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी राय में अल्टिमा डिफ्लेशन क्रिप्टोकरेंसी के लीडरों में से एक है। हाल्विंग। हाल्विंग की रणनीति अल्टिमा में डिफ्लेशन का प्रमुख उपकरण है। डिफ्लेशनरी रणनीति पर विचार करते समय हमने बिटकॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया और एक आदर्श डिफ्लेशनरी मॉडल बनाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप अल्टिमा के अंदर सख्त डिफ्लेशन तंत्र बनाए गए, जिन्हें सख्त हाल्विंग नियमों में लागू किया गया था। अल्टिमा मार्केट में मौजूद टोकन की संख्या में नियोजित कमी के दौर से गुजर रहा है। प्रतिदिन वितरित अल्टिमा टोकन की संख्या प्रत्येक 10 मिलियन ब्लॉक में 2 गुना कम हो जाती है। पहले साल में 50 टोकन मार्केट में प्रवेश करेंगे, दूसरे में 25 टोकन आएंगे और इसी तरह कम होते रहेंगे, जब तक कि 2028 तक संख्या कम होकर एक अल्टिमा तक न रह जाए। रिनाउंस ओनरशिप। यह इस बात का सार्वजनिक प्रमाण है कि क्रिप्टोकरेंसी के डेवलपर और निर्माता के पास अब डिजिटल संपत्ति पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है और क्रिप्टोकरेंसी कोड में बदलाव करने की क्षमता भी नहीं है। बढ़ती कम्युनिटी। अल्टिमा कम्युनिटी में अब लगभग 3 मिलियन लोग हैं और उनमें से प्रत्येक को उत्पाद का उपयोग करने के लिए अल्टिमा टोकन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार $multi-million कम्युनिटी अल्टिमा की सीमित आपूर्ति के साथ अल्टिमा के मूल्य की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विचारशील डिफ्लेशन तंत्र अल्टिमा को उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक समाधान प्रस्तुत करता है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से कमाई करना चाहते हैं।